हरियाणा के पूर्व मंत्री और अग्रवाल समाज के नेता मांगेराम गुप्ता का निधन हो गया है। वो 85 साल के थे। उन्होंने शुक्रवार सुबह जींद के गांधीनगर स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। मांगेराम पिछले काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा था। मांगेराम गुप्ता को कल रात ही जींद लाया गया था। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे बनखंड महादेव शमशान घाट में होगा। हरियाणा के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री व अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय नेता मांगेराम गुप्ता का शुक्रवार सुबह निधन हो गया है। उन्होंने जींद में गांधीनगर स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। वे पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीती रात उन्हें जींद लाया गया था। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे बनखंड महादेव शमशान घाट हांसी रोड जींद पर किया जाएगा। मांगेराम गुप्ता ने कुल 8 चुनाव लड़े थे, जिसमें से वो 4 बार जीते। गुप्ता 4 बार विधायक और 3 बार मंत्री बन चुके हैं। वह शिक्षा एवं परिवहन, वित्त मंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार 1977 में निर्दलीय विधायक चुने गए। उसके बाद 1991, 2000, 2005 में कांग्रेस की सीट से जीतकर विधायक बने। 2005 के बाद राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन जींद उपचुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ने के लिए उनके घर दस्तक दी थी। उसके बाद से वे राजनीतिक में कुछ सक्रिय नजर आए थे। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जजपा की ओर से उनके बेटे महावीर गुप्ता ने चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के कृष्ण मिड्ढा से करीब 12,000 वोटों से वे हार गए थे। मांगेराम गुप्ता का जन्म 13 जुलाई 1935 को हुआ। उन्होंने 8 बार जींद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, इसमें 4 बार वह जीत हासिल की तो वहीं 4 बार हार का मुंह भी देखना पड़ा। वे 1977 में निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए और जीत हासिल की। इसके बाद 1991, 2000 और 2005 में जींद से विधानसभा के विधायक बने थे। गुप्ता 3 बार प्रदेश में मंत्री रहे। वे प्रदेश के वित्त मंत्री, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री, स्थानीय निकाय मंत्री रहे। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में गुप्ता ने अपने बेटे महावीर गुप्ता को चुनाव में उतारा था। वे जेजेपी की सीट पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे। मांगेराम गुप्ता व्यापार मंडल और कई सामाजिक संगठनों में भी अहम पदों पर रहे हैं। वे अपने पीछे पत्नी, 3 बेटे, 2 बेटियां, पोते पोतियों, भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।